बात वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे घर में डॉल्फिन मछली की प्रतिमा, जिसमें तीन कॉर्प मछली बनी होती है, जिनके ऊपर की ओर हुए मुख पर एक क्रिस्टल बॉल रखी जाती है। फेंगशुई वास्तुशास्त्र के अनुसार डॉल्फिन को बौद्धिक क्षमता का विकास, शांति, करियर और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। बता दूं कि जिस घर में हमेशा कलह हो रही हो, घर के सदस्यों में मतभेद हो, घर के बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो या पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते हों, उस घर में डॉल्फिन मछली की प्रतिमा रखना बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। फेंगशुई वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लिविंग रूम में उत्तर दिशा में डॉल्फिन की प्रतिमा रखनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों में चल रहा मतभेद समाप्त होगा और सभी सदस्यों में प्यार बना रहेगा। बच्चों के स्टडी रूम के उत्तर दिशा में डॉल्फिन की प्रतिमा रखने से बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तथा पढ़ाई में मन लगता है व करियर में सफलता मिलती है। तो ये थी चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज घर में डॉल्फिन मछली का प्रतीक चिन्ह लगाने के बारे में, जरूरी नहीं आज लगाइए, कल परसों नरसों जब मौका मिले। वास्तुशास्त्र में कल हम बात करेंगे फेंगशुई के पुराने सिक्कों के बारे में।